कैप्टन आतिफ, अब कौन होगा हमारा पाकिस्तानी जांबाज जो परफॉर्म करेगा? वैसे तो सारे जांबाज हैं, मैं बुलाना चाहूंगा नबील चौकत अली को। अब आएंगे टीम पाकिस्तान के नए फेवरेट 10/10 लाने वाले नबील। देखते हैं हिंदुस्तान के सिंगर्स को डेंजर मीटर पर इनसे कितना खतरा महसूस होने लगा है। भी जो है वो उनकी जो वॉइस है वो एक डिफरेंट वॉइस है, दूसरे लोगों से हटके है थोड़ी। एज अ सिंगर बहुत ज्यादा केपेबल है स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस देने का। मुझे नहीं लगा कि वो कभी बहुत अच्छा गाया उसने। मुझे ऐसा लगता है वो अभी तक उसका जो सीरियसनेस जागा नहीं है, पर जब वो जाग जाएगा वो बहुत खतरा हो सकता है मेरे लिए और हमारे टीम के लिए। कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग है कि शायद इस कंपटीशन के आगे के स्टेज पर चलकर वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक थ्रेट बन सकता है और इंडिया की टीम के लिए एक थ्रेट बन सकता है। हमारी टीम के लिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो मैं उसके लिए 4.8। डेंजर मीटर में मैं नबील को सबसे ज़्यादा 9 या 10 के करीब रखता हूँ। 7/10 देना चाहूँगा। 7/10। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिससे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हम हूँ गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। बिल बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल है आपके फेस पे, आप बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी है टीम पाकिस्तान के लिए। आइए जानते हैं कैप्टन से आपके परफॉर्मेंस के बारे में। पहले कैप्टन हिमेश जी, सेकेंड हाफ ऑफ योर परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग सुपर्ब फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच कैप्टन हिमेश जी, से कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच कैप्टन। आई थिंक एवरीबडी इन द हाउस हैव एंजॉयड योर परफॉर्मेंस एवरीवन। मैं सब लोगों को देख रहा था। थैंक यू, लोग एंजॉय कर रहे थे। वेरी गुड, amazing, thank you.
Respected jury, 0 or 10? 1, 2, 3. 10 points, 4 points. Thank you, sir. Thank you, respected jury. आपके परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान का स्कोर हो गया है 70, टीम इंडिया का स्कोर है 100. देखते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में रिस्पेक्टेड ज्यूरी का क्या कहना है. नबील, माय गॉड, यू आर जस्ट आउटस्टैंडिंग. थैंक यू मैम. फैंटास्टिक, बहुत बहुत मजा आया. थैंक यू. आपने ऐसे गाया इसको जम के, बिल्कुल रच के रचा उसके साथ गाया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच रूना जी. हम तो इतने गुम हो गए थे कि अचानक जब इन्होंने ख़त्म कर दिया तो ऐसा लगा कि क्यों ख़त्म हुआ. कुछ चांस ही नहीं कुछ बोलने का. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, सुनते रहो. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड जूरी. आपके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फुल मार्क्स लेते आ रहे हैं सुरक्षेत्र के स्टेज पर. पिछली बार आप दावेदार भी थे और आप वहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन इस वक्त तो आपको बुरा लग रहा है कहीं कि शायद आपको वहाँ बैठना चाहिए. नहीं, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, बल्कि आपके पास हर रोज परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. अच्छा. और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने गाना गाया ये स्पेशली आपके लिए. oh. आपको डेडिकेट करता हूँ, इसीलिए इतना ज्यादा फील आ गया मेरे अंदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है. जाबाज है जी ये. मैं तो सोच रही थी कि बहुत भोला भाला बेचारा, बहुत शरीफ चाहिए. अच्छा बच्चू, देखेंगे आपको. ये जो कुछ सिखाया इस मंच ने सिखाया मुझे. अच्छा. नहीं, आपके कैप्टन का हाथ तो नहीं आया इसमें सिखाने में. बोल दे कैप्टन, तो हर चीज में सपोर्ट करते हैं मुझे. वेरी गुड. थैंक यू नवीर. थैंक यू. इट वाज ग्रेट हैविंग यू परफॉर्म हियर. और मुझे डेडिकेट किया. थैंक यू, वेरी स्वीट ऑफ यू. गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जेजस. Philips HD LED TV presents Surkshetra powered by Dabur Amla Hair Oil. Mein ab milte hain.